दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को वर्ल्ड कप में भारत ने हराया तो देश दुनिया भर के दिग्गज अख्तर अफरीदी से लेकर सचिन सहवाग और धोनी तक ने आईसीसी से कर डाली बड़ी मांग। तो शमी की गेंदबाजी, रोहित की रफ्तार और कोहली का रनचेज देखकर आखिर किसने क्या बोला, न्यूजीलैंड से बदला लेने पर भी क्या बोल गए दिग्गज, सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। अंत तक धोनी का बयान जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और शुभमन गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से हमेशा एक रही है और ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तो मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक हो जाते हैं। और आखिरकार वर्ल्ड कप का 48 में से 21वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 50 ओवर में अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर 273 रन बनाए और 274 रन का लक्ष्य टीम इंडिया के आगे रखा। तो वहीं मैच की जब शुरुआत हुई तो यहां न्यूजीलैंड की पारी तो शुरुआत में अच्छी नहीं थी, क्योंकि डेवॉन कॉनवे विलियंग 19 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे। लेकिन रचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल ने पारी को संभालते हुए 163 रन की साझेदारी की। इस दौरान रचिन रविंद्र ने 75 रन बनाए तो वहीं डैरिल मिचेल ने 130 रन बनाकर इस मैच को एक तरफा करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन दोस्तों यहां पर एक के बाद एक विकेट चटकाकर मोहम्मद शमी ने पूरा मैच पलट कर रख दिया, जिन्होंने आज 5 विकेट अपने नाम करे तो वहीं 2 विकेट कुलदीप यादव को भी मिले। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, जिन्हें आज पहले से ही पता था कि आते से ही उन्हें रन बनाने हैं। और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन यहां पर जैसे ही रोहित शर्मा को लॉकी फर्ग्यूसन ने उनको अपने जाल में फंसाकर बोल्ड आउट किया तो 46 रन पर उनकी पारी सिमट गई। और यहां फिर शुभमन गिल का विकेट गिरने में भी लॉकी फर्ग्यूसन ने ज्यादा देर नहीं लगाई और 26 रन पर उनको भी चलता किया। अब दोस्तों भारतीय टीम दबाव में थी, लेकिन इस दबाव को कम करने का काम इस मैच में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने किया, जहां दोनों बल्लेबाजों के बलबूते पर भारतीय टीम यह मुकाबला जीतने की ओर अग्रसर हो गई। और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दबाव तो बनाया लेकिन अय्यर भी यहां 33 रन बनाकर आउट हो गए। मैच थोड़ा फंसता चला जा रहा था लेकिन विराट कोहली ने यहां भारत का साथ ना छोड़ने की आज कसम खाई थी, इसीलिए उन्होंने जमकर रनों की बरसात कर डाली, जिसके बलबूते पर भारतीय टीम जीत की तरफ आगे बढ़ी। और दोस्तों यह मुकाबला भारत के नाम होते से ही पूरा विश्व अब हैरान है कि आखिरकार वर्ल्ड कप में भारत की टीम को कैसे हराया जाए। और इसी पर अब दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के बाद कहा। तो दोस्तों इस सूची में पहला बयान निकल कर आता है, वो है शोएब अख्तर का। कहते हैं कि जब तक भारत के पास विराट कोहली जैसा महान बल्लेबाज मौजूद है, भारतीय टीम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विराट कोहली बखूबी जानते हैं कि उन्हें किस समय पर कैसे बल्लेबाजी करनी है और उन्हीं की बदौलत इस साल भारत वर्ल्ड कप भी जीतेगा। मैं यह नहीं कहता कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर है, लेकिन आज पता चल गया कि न्यूजीलैंड भारत के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती। और ये मुकाबला भारत बेईमानी करके नहीं बल्कि ईमानदारी से ही जीता है। भले भारत ने पिछले मुकाबले वर्ल्ड कप के बेईमानी करके जीते हों और हमारी टीम पाकिस्तान को भी उन्होंने बेईमानी से ही हराया था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि भारत अपने दम पर भी मैच जीतना जानता है। वहीं अगले पाकिस्तानी का बयान निकल कर आता है, वो है शाहिद अफरीदी, जिन्होंने कहा, अरे भारत क्या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बिना कोई मैच हारे ही पहुंच जाएगा क्या? मुझे तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम भारत को हरा देगी, लेकिन विराट कोहली ने क्या ही खेला है। मैंने इस मैच में पूरी कोशिश करी कि मैं बेईमानी के भारत के सबसे ज्यादा सबूत इकट्ठे करके आईसीसी को सौंपूं और ये मुकाबला दोबारा करवाऊं अगर भारत जीत जाए, लेकिन भारत ने इस मैच में मेहनत की तभी वो मैच जीते हैं। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है, वो है वीरेंद्र सहवाग का, जो कहते हैं कि पहले शमी ने 5 विकेट लिए और उसके बाद रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख क्या ही बदला है। रोहित शर्मा इतनी अच्छी बल्लेबाजी शुरुआत में कर दे रहे हैं कि आगे आने वाले बल्लेबाजों को कोई दबाव ही महसूस नहीं हो रहा है। विराट कोहली और केएल राहुल ने आज जिस तरह से मैच पलटने का काम किया है वो सराहनीय है और मैं चाहता हूं कि भारत इस साल वर्ल्ड कप में ऐसे ही मुकाबले जीतती चली जाए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है, वो है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने कहा कि भारत की उम्दा बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर हम न्यूजीलैंड की टीम को हराने में कामयाब हुए हैं। हम जानते हैं कि इस मैदान पर मैच जीतना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन जब तक विराट कोहली हमारी टीम में हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी भी अच्छी थी और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तो इस मैच को जिताने का शमी को जाता है, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को 300 रन के आंकड़े के पार ले जाने से रोका और 5 विकेट जो लिए वो सराहनीय है। तो वहीं अगला बयान निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने बोला, विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी इस बार विश्व कप में धमाल मचा रही है। इन दोनों की बल्लेबाजी से हमारी टीम इंडिया इस साल वर्ल्ड
वर्ल्ड कप में फेवरेट्स मानी जा रही है, और मैं मानता हूं कि शमी की भी रोहित शर्मा को वापसी करानी चाहिए, तभी हम इस साल वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि दिग्गजों ने जो कहा वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।